guys, welcome back to my channel. Today I'm going to show you a review. So review के हमने already thumbnail टाइटल पढ़ लिया था. What I'm going to show you. So without further ado, let's get started. Today I'm going to review this sunscreen. So this sunscreen is from Lotus Herbals. Sunscreen का review करने जा रहे हैं आपके साथ. इसको मैंने यूज़ भी किया है. पहले आप वो देखो, then मैं इसके आगे आपको बताऊँगी मुझे कैसे लगी and all. So yeah. जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है. लाइक काफ़ी लाइट वेट है और गाइस जेल फॉर्म में है सनस्क्रीन, तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती है और काफ़ी सही है फॉर योर एवरी यूज़. सो बाकी लोटस की जितनी सनस्क्रीन से काफ़ी अच्छी रहती है. ये आई न्यू थी, मैंने ये वाला ट्राई करने को सोचा था. सो बाकी ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन को सूट होगी. लाइक नॉर्मल टू ऑयली, लाइक मेरी भी नॉर्मल टू ऑयली है, तो इसलिए मैंने ये वाली परचेज़ की है. ओके, इसका जो SPF है 50 SPF है, डेली के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो ये. सो तो प्राइस का तो कुछ 485 रुपीज़ है. सो इतनी एक अच्छी सनस्क्रीन आपको इतने में मिलती है. सो वो ट्राई दिस लोटस हर्बल्स. सो फेस, बॉडी पे हर जगह अप्लाई कर सकते हो और ये इसलिए एब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे आपने क्लिप में देखा होगा ये इसलिए एब्जॉर्ब हो गई थी. काफ़ी जेंटल, काफ़ी सही है और बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रही थी मुझे मेरे यूज़ के लिए. सो ऐसे मैंने बहुत और भी ट्राई की सनस्क्रीन्स वगैरह. बाकी सब काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, बट ये काफ़ी लाइट वेट है और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है हम सनस्क्रीन लगाइए. सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट. सो इफ यू गोइंग आउट देन आप जहाँ जहाँ भी आपका बॉडी ओपन है वहाँ अप्लाई कर सकते हो. सो गाइस इस सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं. सो इंग्रेडिएंट्स आर दिस. गाइस दैट्स इट माय रिव्यू अबाउट दिस सनस्क्रीन. और ये सनस्क्रीन पक्का परचेज कर सकते हो आप एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है. सो बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, कमेंट करो व्हाट यू वांट नेक्स्ट एवरीथिंग. सो बाय.